चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। विमान दुर्घटना में मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और 9 अन्य की मौत, लापता विमान चिकनगावा जंगल में मिला। राधा की जन्मस्थली बरसाना नहीं, इस बात पर भिड़े प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद तू तड़ाक पर उतर आए। इजराइल में फिर बजी खतरे की घंटी, हिजबुल्ला ने कर दी मिसाइलों के बौछार। सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, रद्द नहीं होगी नीट परीक्षा, न रुकेगी काउंसलिंग, एनटीए से मांगे जवाब। योगी कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले, यूपी में नई तबादला नीति को मंजूरी, 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर। आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी अमरावती, एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन दोषी करार, फेडरल गन केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने बदली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की डीपी, पीएमओ की तस्वीर भी बदली। भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा ने चुनाव हारने के बाद कह दी ये बात, अपनी ही पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर लगाया गंभीर आरोप। कौन है साउथ की सुषमा स्वराज, जिसे बीजेपी बना सकती है लोकसभा स्पीकर, नायडू से है खास कनेक्शन। जिन अफसरों ने हराया उन्हें भूलेंगे नहीं, अखिलेश यादव यूपी के इन जिलाधिकारियों से बेहद नाराज। भारत 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की करेगा मेजबानी, FIH ने किया ऐलान। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। विमान दुर्घटना में मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और 9 अन्य की मौत, लापता विमान चिकनगावा जंगल में मिला। जी हां, बता दें मालवी के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और देश की एक पूर्व प्रथम महिला नागरिक को लेकर जा रहा एक सैन्य विमान सोमवार को ब्लांटायर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंगलवार को विमान दुर्घटना में चिलिमा समेत 9 अन्य लोगों की मौत हो गई। बड़े पैमाने पर खोज अभियान के बाद लापता विमान चिकनगावा जंगल में पाया गया, जिसमें सभी यात्री मारे गए थे। राष्ट्रपति के सचिव कोलिन सांबा ने दुखद खबर की पुष्टि की। उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा पूर्व प्रथम नागरिक सानिल जिम्बरी और 8 अन्य को लेकर विमान इस दक्षिणी अफ्रीकी देश की राजधानी लिलोंगवे से होकर सुबह 9:17 पर रवाना हुआ था, और इसे करीब 45 मिनट बाद राजधानी से 370 किलोमीटर दूर मजुजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना। राधा की जन्मस्थली बरसाना नहीं, इस बात पर भिड़े प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद तू तड़ाक पर उतर आए। बता दें मध्य प्रदेश में सीहोर जिले वाले पंडित यानी प्रदीप मिश्रा का कहना है कि बरसाना राधा जी का मायका नहीं है, राधा रावल गांव की थी, उनकी शादी छाता में हुई थी। वहीं बता दें इस बात पर प्रेमानंद महाराज ने प्रदीप मिश्रा को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि प्रदीप मिश्रा को कुछ अता पता नहीं है, प्रदीप मिश्रा ने राधा को समझा ही नहीं। प्रेमानंद इस मुद्दे पर वायरल वीडियो में प्रदीप मिश्रा के लिए खड़ी भाषा का उपयोग करते सुने जा सकते हैं। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा एक प्रसिद्ध कथावाचक, गायक, आध्यात्मिक गुरु हैं। वहीं राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता, वे आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल में फिर बजी खतरे की घंटी, हिजबुल्ला ने कर दी मिसाइलों की बौछार। बता दें इजराइल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार को ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने एक के बाद एक कई मिसाइलों की बौछार कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लेबनान की ओर से इजराइल के गोलान हाइट्स पहाड़ी पर तकरीबन 50 रॉकेट दागे गए थे। हिजबुल्ला ने लेबनान से इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। एक वीडियो का फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक इजरायली ड्रोन मारकर गिराया जा रहा है। आतंकी समूह ने दावा किया कि उसके एक लड़ाके ने कल अपने टेलीग्राम चैनल पर इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, रद्द नहीं होगी नीट की परीक्षा, न रुकेगी काउंसलिंग, एनटीए से मांगे जवाब। बता दें नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। शीर्ष कोर्ट ने साफ कहा कि नीट परीक्षा 2024 रद्द नहीं होगी और न ही नीट काउंसलिंग रुकेगी। मामले में कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगे हैं। कहा है कि हम एनटीए की दलील भी सुनना चाहेंगे, मामले पर अगली सुनवाई जल्द होगी। बता दें कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग के बीच लगभग 1600 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। और फैसले में कोर्ट ने नीट परीक्षा को रद्द कर
करने और काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। योगी कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले, यूपी में नई तबादला नीति को मंजूरी, 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बता दें लोकसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता हटने के बाद मंगलवार को हुई पहली बैठक में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने मंगलवार को नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत विभागाध्यक्ष 30 जून तक तबादला कर सकेंगे। इसके बाद तबादला करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी अमरावती। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू का ऐलान। बता दें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन पहले तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को घोषणा की कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। नायडू तेदेपा, भाजपा और जनसेना के विधायकों की एक संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनडीए नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में तीन राजधानियां की आड़ में कोई खेल नहीं होगा, हमारी राजधानी अमरावती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन दोषी करार, फेडरल गन केस में कोर्ट का बड़ा फैसला। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को फेडरल गन केस में दोषी पाया गया है। डेलावेयर की एक अदालत ने हंटर को नशे से संबंधित दो अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया है। हंटर पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए बंदूक रखने से जुड़े तीन मामले चल रहे थे। ज्यूरी के सामने उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। यह मामला किसी वर्तमान राष्ट्रपति की संतान से जुड़ा पहला मुकदमा है। खास तौर पर यह अमेरिका में चुनाव के वक्त हंटर बाइडेन को दोषी करार दिया जाना जो बाइडेन की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। पीएम मोदी ने बदली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डीपी, पीएमओ की तस्वीर भी बदली। बता दें भारत में लोकसभा चुनाव के परिणाम बीते हफ्ते सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है। पीएम मोदी ने बीते रविवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी। अब नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डीपी बदल दी है। पीएम मोदी ने एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी डीपी बदल ली है। नई तस्वीर में पीएम मोदी भगवा रंग के जैकेट और सफेद कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके साथ ही पीएमओ यानी प्रधानमंत्री की कार्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पीएम मोदी की नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में पीएम मोदी हाफ व्हाइट रंग की जैकेट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा ने चुनाव हारने के बाद कह दी ये बात। अपनी ही पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर लगाया गंभीर आरोप। बता दें बशीरहाट सीट से भाजपा के उम्मीदवार रेखा पात्रा ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में उनकी हार भीतरघात के कारण हुई है। यह दावा बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष और बिष्णुपुर के सांसद सौमित्र खां द्वारा पार्टी में पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आया है। रेखा पात्रा जो लगभग 3.3 लाख वोटों से हार गई, केवल संदेश खाली विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल करने में सफल रही। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की एक सुनियोजित योजना के तहत मुझे हराया गया और इसमें हमारी पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता शामिल थे। वे टीएमसी के साथ साजिश कर रहे थे और मेरी पीठ में छुरा घोंपा। कौन है साउथ की सुषमा स्वराज, इसे बीजेपी बना सकती है लोकसभा स्पीकर, नायडू से है खास कनेक्शन। बता दें केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी किया जा चुका है। अब की बार सबकी नजरें लोकसभा स्पीकर के लिए नाम के ऐलान पर हैं। 18 जून के संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसी सत्र में 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव होना है। एनडीए सरकार में सबसे ज्यादा नंबर होने के नाते बीजेपी अपना स्पीकर बनाना चाहती है, जबकि चंद्रबाबू नायडू की मांग है कि स्पीकर की कुर्सी पर टीडीपी से किसी को बिठाया जाए। नीतीश कुमार की पार्टी की भी निगाहें स्पीकर की कुर्सी पर टिकी हुई हैं। इन सब के बीच एक नाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिग्गुबाती पुरंदेश्वरी को लोकसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। पुरंदेश्वरी को नायडू और नीतीश कुमार की काट के रूप में भी देखा जा रहा है। जिन अफसरों ने हराया उन्हें भूलेंगे नहीं, अखिलेश यादव यूपी के इन जिलाधिकारियों से बेहद नाराज। बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के कुछ जिलाधिकारियों से बेहद नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर मिली हार को लेकर अखिलेश ने यहां तक ही कहा कि जिन जिलाधिकारियों ने हराया है उन्हें हम भूलेंगे नहीं। अखिलेश ने 3-4 जिलों का नाम लेते हुए वहां के जिलाधिकारियों को एक तरह से चेतावनी भी दी। कहा कि इन जिलाधिकारियों ने किसके दबाव में यह किया, क्यों बेईमानी की, जानबूझकर सपा प्रत्याशियों को हराया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत
2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की करेगा मेजबानी, FIH ने किया ऐलान। बता दें भारत अगले साल पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। यह प्रतियोगिता दिसंबर में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में यह पहला अवसर होगा जबकि इसमें 24 टीम हिस्सा लेंगी। FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि FIH हॉकी जूनियर विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या बढ़ गई है और मैं अगले साल इन 24 युवा टीमों को खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक हूँ। यह 24 टीमें हमारे खेल के लिए भविष्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। इकराम ने कहा, मैं एक और शानदार प्रतियोगिता को आयोजित करने की प्रतिबद्धता के लिए हॉकी इंडिया का आभार व्यक्त करता हूँ। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की ने कहा, इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के मेजबानी मिलने से भारत के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में बढ़ते महत्व तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए खेल का विकास करने के लिए हमारे समर्पण का पता चलता है।